चेस्ट एक्सरे में हम कैसे पहचानते हैं हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स को, उससे पहले आप इस वीडियो को देख लें, उसके बाद बात करेंगे। ये सामने डेस्कटॉप पे हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स का एक्सरे व्यू है और इसमें आप देख सकते हैं कि राइट लंग फील्ड में मल्टीपल मिलेट शेपेड मॉल्टिंग है जो मिलेरी ट्यूबरक्लोसिस में नज़र आती है, और लेफ्ट लंग पूरा काला है, इंक्रीज ट्रांसलूसेंसी है लेफ्ट लंग में, यहाँ पे ब्रोंको वैस्कुलर मार्किंग नज़र ही नहीं आ रही है, बिल्कुल काला है। लेफ्ट कॉस्टोफ्रेनिक एंगल जो है ये ऑब्लिटेटेड है और ये हॉरिजेंटल लेवल है फ्लूइड का। ट्रैकिया सेंट्रल है, राइट सीपी एंगल मतलब कॉस्टोफ्रेनिक और कार्डियोफ्रेनिक दोनों एंगल्स नॉर्मल है, इसमें कार्डियोफ्रेनिक एंगल भी ऑब्लिटेट कर गया है। तो राइट साइड मल्टीपल मिलियरी शेडोइंग है इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द लंग फील्ड, और लेफ्ट साइड में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल काला पड़ गया है लेफ्ट लंग, ये हाइपर ट्रांसल्यूसेंट है, बहुत ज़्यादा ही कालापन है। वजह इसके पीछे न्यूमोथोरैक्स की है, क्योंकि यहाँ फ्लूइड लेवल भी नज़र आ रहा है, इसलिए हमको इस चेस्ट एक्सरे को हम हाइड्रो न्यूमोथोरैक्स कहेंगे। हाइड्रो न्यूमोथोरैक्स का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ एयर एंड फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस। इस लेफ्ट लंग में फ्लूइड और एयर दोनों एक्यूमुलेट हो गए, दोनों जमा हो गए। फ्लूइड यहाँ हॉरिजॉन्टल लेवल फ्लूइड का नज़र आ रहा है और एयर की वजह से पूरा लंग्स काला पड़ गया है। आप लोगों ने वीडियो को देखा, एक पेशेंट का रेडियोग्राफ था चेस्ट का, उसमें फीचर्स नज़र आ रहे हैं हाइड्रो न्यूमोथोरैक्स के। तो अगर सिंपल डिफिनीशन अगर मैं बात करूं क्या होता है हाइड्रो न्यूमोथोरैक्स, तो मैं कहूंगा कि हवा और फ्लूइड का, हवा और द्रव्य का प्लूरल स्पेस में जमा हो जाना, ये हाइड्रो न्यूमोथोरैक्स कहलाता है। एक्यूमुलेशन ऑफ एयर एंड फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस। अब आप कहेंगे कि प्लूरल स्पेस क्या होता है, तो प्लूरल स्पेस बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच की जगह को। प्लूरल मेम्ब्रेन असल में दो लेयर होती हैं, जो एक लेयर चिपकी रहती है लंग्स से और एक लेयर चिपकी रहती है इन्फीरियर वॉल ऑफ इंटरकोस्टल मसल से, और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में बहुत ही छोटा सा स्मॉल फिजिकल गैप होता है, और इस स्मॉल फिजिकल गैप में फ्लूइड्स होते हैं जिन्हें हम प्लूरल फ्लूइड्स कहते हैं, और ये प्लूरल फ्लूइड्स असल में सीरस फ्लूइड होते हैं और इसमें काफ़ी चिकनाई होती है, तो ये ल्यूब्रिकेंट का काम करते हैं जिससे दोनों मेम्ब्रेन के बीच में घर्षण नहीं हो पाता। लंग्स को प्रोटेक्ट भी करते हैं बाहरी ट्रोमैटिक इंजरी से, और असल में ये लेयर्स जो होती हैं प्लूरल मेम्ब्रेन की शॉक्ड एब्जॉर्बिंग लेयर होती हैं, तो बहुत सस्पेंसरी फंक्शन करती हैं, झटके से बचाती हैं लंग्स को। तो इसी प्लूरल स्पेस में फ्लूइड होते हैं, तो नॉर्मली फ्लूइड जो है एक नॉर्मल प्रोपोर्शन में होते हैं, लेकिन जब ये फ्लूइड एबनॉर्मली इनका वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट होने लगता है तो ये फिर प्लूरल स्पेस में एक्यूमुलेट होने लगते हैं, और इनको इस फ्लूइड को हम प्लूरल इफ्यूज़न कहते हैं।